नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, पूरी दुनिया पर एक बड़ा संकट आया है जिसका नाम है कोरोना वायरस। ऐसा लगता है कि पिछले एक महीने के दौरान पूरी दुनिया बदल गई है, हम उसे पहचान नहीं रहे हैं कि आखिर वो कौन सी दुनिया है। ऐसे में भारत में भी कोरोना वायरस से जंग चल रही है, भारत में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन उस सबके बावजूद खासकर एक ऐसी खबर जिसने पिछले 48 घंटे में पूरे भारत का और ये कहा जाए कि दुनिया का ध्यान खींचा है, वो है दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात का मरकज यानी उनका हेडक्वार्टर। वहां से कई सौ की तादाद में लोग ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव पाए गए हैं। करीब करीब 2000 से ज्यादा वहां पर लोग थे और अभी तक जो आंकड़ा आ रहा है वो ये कि 400 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। इनमें कई की मौत भी हो गई है और सबसे जो मुश्किल हो रहा है वो ये कि ये तबलीगी जमात में जो लोग आए हुए थे वो अलग अलग राज्यों में चले गए हैं वापस, यहाँ जो कार्यक्रम हुआ उसके बाद से उनकी जो ट्रेसिंग है वो किस किस से मिले और कहाँ कहाँ लोगों को संक्रमित कर रहे हैं वो एक बहुत मुश्किल, एक तरह से बड़ी चुनौती सरकार के सामने और जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनके सामने पैदा हो रही है। और खासकर इसको भी इस नजरिए से भी देखा जाना चाहिए कि पिछले कुछ दिनों में या पिछले दो दिनों में जिस तरह से भारतीय मीडिया ने, खासकर टीवी चैनल्स ने इसको इसका बहुत ही बेशर्म तरीके से सांप्रदायिकरण किया है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खुलकर सामने नहीं आ पा रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ मैं उस कार्यक्रम में गया था और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ या मैं भारत सरकार को ये बात इसकी घोषणा करता हूँ। मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, यास्मीन किदवई हैं जो कि काउंसलर हैं, उनके इलाके का नाम तो दरियागंज है लेकिन उसने निजामुद्दीन से लेके दरियागंज एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी है जिसकी वो काउंसलर हैं और जाहिर है एक सरकारी अधिकारी होने के नाते, एक नेता होने के नाते उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरह से इस पूरे इलाके को इस पूरे विवाद के दौरान, इस पूरी मीडिया की जो लाइमलाइट है और जो पूरी पूरा ये कंट्रोवर्सी है उसके दौरान भी वो काम वो कर पाए जो उनकी जिम्मेदारी है। यास्मीन किदवई बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त निजामुद्दीन में क्या हो रहा है। आरिफा शुक्रिया, आपसे रूबरू होकर बात करने का मौका मिल रहा है। निजामुद्दीन में आज अगर आप आज हम सुबह से लगे हुए हैं, हमने पहली बार जो ये हुआ है जो निजामुद्दीन में, सबसे पहले तो एक पैनिक है लोगों में बहुत। मैं पर्सनली अबाउट 6 दिन से निजामुद्दीन में काम करवा रही हूँ, इससे पहले कि जब ये न्यूज आई भी थी। आज हमने स्पेसिफिकली निजामुद्दीन जो बस्ती है, हजरत निजामुद्दीन बस्ती, वो मरकज से जो जुड़ी हुई है, उसमें नैरो गलियां बहुत ज्यादा हैं जहाँ हम, और हमारे पास सैनिटेशन स्टाफ इस टाइम सिर्फ 35% पे है और सब जगह पहुंचना फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम ड्रोन्स से पूरी बस्ती को अंदर से सैनिटाइज करेंगे और मरकज के ऊपर से भी। और ये पहली बार है जो दिल्ली में सैनिटेशन के लिए ड्रोन्स का यूज हो रहा है, तो हमने सुबह से वो किया। देन लकीली वी हैव बीन एबल टू गेट द फायर ब्रिगेड इनटू सर्विस। जो पूरा निजामुद्दीन का बाहर का इलाका है जो लोधी रोड से भी जुड़ता है और एक तरफ से भोगल जाता है, वो सारे मेन रोड्स हमने और बाहर से सारी बिल्डिंग्स को फायर ब्रिगेड से सैनिटाइज करवाया है। और दूसरा अंदर फिर जो जितने 3 घर वहाँ, 2 घर वहाँ पे क्वारंटाइन, एक और कॉलोनी है जो बस्ती से जुड़ी हुई है तो वहां पर भी 2 केसेस पाए गए हैं। तो जो घर क्वारंटाइन है वहां पे हमने अंदर प्रोटेक्टिव गियर के साथ सैनिटेशन वर्कर्स अंदर गए हैं, मरकज को भी अंदर से सैनिटाइज किया गया है। सो सैनिटेशन हमारे लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज भी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त। जो एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सैनिटेशन जिसके लिए हम लगातार लगे हुए हैं। दूसरी इशू जो जो मुझे लगता है आगे वाले समय में और हमें प्रॉब्लम आएगी इस वजह से, इज दी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पैनिक अमंग द रेजिडेंट्स। एंड जो निजामुद्दीन का एरिया है वो एक तरफ हजरत निजामुद्दीन बस्ती है, एक तरफ एक और कॉलोनी है निजामुद्दीन वेस्ट जिसे कहा जाता है जो जुड़ी हुई है रोड के ऑपोजिट निजामुद्दीन ईस्ट है, और उसी रोड में आगे जंगपुरा भोगल वगैरह इलाके हैं। तो सबसे बड़ा जो इस वक्त हमें सैनिटेशन सिर्फ इस इलाके में ही, निजामुद्दीन में ही नहीं देखना है, बट ये जो पूरा जुड़ा हुआ इलाका है इन सब का ख्याल रखना है। एंड वैसे भी जैसे मैं आपको बता रही थी कि हम इस टाइम अबाउट 35% स्टाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं और जो लोगों में एक पैनिक है, यू नो कि देयर इज नो क्लियर कट इन्फॉर्मेशन एंड नो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कि आपको सुबह और शाम एक न्यूज मिल जाए
कि क्या हो रहा है एंड क्या कितने केसेस निकले हैं, जो भी रोजमर्रा की चीजें हैं, एक लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है. जी ये मुझे बताइए, आप एक काउंसलर होने के नाते आपका इलाका है, ये सब कुछ उसी इलाके में हुआ है. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ तो राइट विंग मीडिया का नैरेटिव है, दूसरी तरफ एक वो हकीकत है जो लोग जी रहे हैं, इस सब के बीच में आप कह रही हैं सूचना का अभाव है, बात सच है, लोगों को ये सही पर्सपेक्टिव भी देखने को नहीं मिल रहा है. और किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक पेंडेमिक के टाइम पर एक महामारी से देश जूझ रहा है, ऐसे में इस समस्या का भी सांप्रदायिकरण किया जाएगा. लेकिन इस पूरी जो सिलसिलेवार तरीके से मुझे बताइए कि पिछले 2-3 हफ्ते की जो घटनाएं हुई हैं उसे आप कैसे देखती हैं. अर्शवा, ये मतलब इससे ज्यादा इस वक्त दुख की बात नहीं हो सकती है कि जिस चीज से पूरी दुनिया जूझ रही है और जिसने एक तरीके से पूरी दुनिया को अपने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है, उस वक्त भी हम एक दूसरे को एक दूसरे के अगेंस्ट बातें कर सकते हैं और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, इससे ज्यादा दुख की और शर्म की बात नहीं है. एंड अगर आप देखिए, जब हम लोग काम करते हैं, या जो अभी जिस टाइम आपके जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं और जो सैनिटेशन वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो किसी रिलीजन के हिसाब से काम कर रहे हैं क्या? सो इट दिस इज द सैडेस्ट थिंग विच जो कि इस वक्त पे भी कुछ लोगों में इतनी नफरत है कि वो इस वक्त भी इस चीज को, इस पैंडमिक को एक रिलीजियस एक कम्युनल वो दे सकते हैं. जी, तो मैं आपसे यही पूछ रही थी कि आप एक सिलसिलेवार तरीके से 2-3 हफ्ते की घटनाओं को किस तरह से देखना चाहेंगी. 2-3 हफ्ते की घटनाओं मतलब मैं कह रही हूँ कि जो लॉकडाउन से हुआ है, मेरा ये कहना थी. ओके, आई से यू नो, देखिए, जब जिस टाइप की हम इमरजेंसी सिचुएशन में है, पेंडेमिक सिचुएशन में है, उस वक्त सब सारे जितने भी जितने लोग हैं, जो हमारी पॉपुलेंस है सबका, और जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है और जितने हम लोग जो पब्लिक लाइफ में हैं और मीडिया है, सबका एक फर्ज बनता है कि हम सरकार को उनकी डिसीजंस को सपोर्ट करें, एंड एटलीस्ट हमें सपोर्ट करें और कम्प्लीटली करें. अभी तक हमें अपनी टॉप डाउन से एक ही डिसीजन लिया गया था कि आप एक दिन जनता कर्फ्यू करें और अगले दिन से आपका लॉकडाउन हो गया था, एंड उस डिसीजन को सबने कम्प्लीटली सपोर्ट किया. बट यू नो, दिस इज एट दिस पॉइंट, दिस इज नॉट अ सिचुएशन विच कैन बी फॉट बाय अ वन मैन आर्मी. यू नो, एडमिनिस्ट्रेशन के, सरकार के, आपको सभी लोगों को जॉइंटली लेकर इसको काम करना चाहिए. एंड वाई जस्ट पोलिटिकल लोग, आप अपनी ऑपोजिशन पार्टीज को इन्वॉल्व करिए. ये कोई मेरा तेरा वाला सिचुएशन थोड़ी है, ये एक डिजीज है, ये किसी को भी हो सकता है. मैं ये जानना चाह रही हूँ कि दो तरफ जो है, कहीं ना कहीं ये पूरा जिसमें आप ये कह रही है कि जो जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, ये और पुलिस है, इसके अलावा इसके इर्द गिर्द ये पूरी घटना और ये पूरा जो एक तरह से एक सोल्यूशन जो ढूंढने की कोशिश होनी चाहिए थी वो इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए थी. लेकिन अभी सवाल ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं कि कसूरवार कौन है. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखने की कोशिश की जाए, आप चूंकि उसी इलाके से आती हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप क्या ये मानती हैं कि वाकई जमात के लोगों ने एक तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से रवैया अपनाया, या आपको लगता है कि उन्होंने अपना काम एक नागरिक के तौर पर किया, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम नहीं किया? देखिए, मैं जमात के बिहाफ पे तो नहीं बोल सकती हूँ, बट एज अ पर्सन जो यहाँ पे काम कर रहा है, जमात ने जो किया या नहीं किया, उन्होंने बाकी जो उस बाकी तब से और अभी तक जो ग्रुप्स इकट्ठा हैं या जो रिलीजियस फंक्शंस हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा या कम नहीं किया है. तो इट डजंट अब्सॉल्व देम ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी. लेकिन जब ये सब मार्च के महीने में जब बातें हुई, शुरू हुई, हमको 13 मार्च को एक हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या डायरेक्टिव था कि देयर इज नॉट एन हेल्थ इमरजेंसी, एंड हमारे को प्राइम मिनिस्टर से पहली कम्युनिकेशन कब मिली, मेरे ख्याल में 22 मार्च को मिली. सो आइडियली आप कहें कि अगर इन लोगों को जमा नहीं होना चाहिए था, तो हाँ, मैं भी कहूँगी जमा नहीं होना चाहिए था, लेकिन बट इन्होंने किसी से ज़्यादा या कम कुछ नहीं किया है.
which is why it is absolutely wrong to give it a religious thing and to blame the entire thing on the markaz. Hamare paas mere kuch questions the isko pura jo situation hai lekar. Hame prime minister shuru se keh rahe the ki hamare visa restrictions in place hai. Agar visa restrictions in place hai to itne sare foreigners yahan kaise aa gaye, you know, and they have come from countries. Malaysia se ek pura group aaya hai, and Malaysia was already identified as a hotspot for the spread of the coronavirus. So you know, when and mere khayal se India bahut lucky tha ki hamare ko ye problem bahut der se aaya. Hame shuru se malum tha puri world mein ho raha hai. Hamari kya intelligence planning thi, humne kya abhi bhi humne kya planning karke rakhi hai. जो हो गया है वो हो गया है. माय ग्रेटर कंसर्न नाउ इज कि अभी जो ऐसे और हॉटस्पॉट्स निकलेंगे उसके बारे में हमने क्या प्लानिंग करके रखी है. व्हाट काइंड ऑफ प्लानिंग हैज द गवर्नमेंट डन. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट और डिफरेंट द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट इवन टॉकिंग टू ईच अदर. आप मरकज के केस में देखिए, मैंने उनकी प्रेस रिलीज पढ़ी है और उसमें एक कॉन्स्टेंट एक लिंक निकल कर आता है कि आपने कि उन्होंने एसएचओ से बात करी और उन्होंने एसडीएम से बात करी. एसएचओ एंड एसडीएम आर टू डिफरेंट, वन इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन इज द स्टेट गवर्नमेंट. सो बोथ वर गिविंग देम डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस. एक कह रहा है जाओ, एक कह रहा है बैठो. एंड दिस इज अ बेसिक थिंग विच कुड हैव बीन सॉर्टेड. अगर एक कंट्रोल रूम आप बना दो जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डिफरेंट गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर एंड देर इज अ क्लियर गाइडेंस एंड देर इज अ क्लियर पॉलिसी. अगर कोई फंस गया है तो आपकी पॉलिसी क्या कह रही है कि आप उनको बैठना है कि उनको निकलना है. अगर उनको निकलना है तो उनका इंतजाम कौन करेगा, उनको कहाँ ले जाया जाएगा, उनको आप कैसे क्वारंटीन करेंगे. सो यू नो एट दिस पॉइंट मैं समझती हूँ जो तीन दिन दो दिन से मीडिया में चल रहा है, दिस इज एन आईटी सेल प्रोपेगेंडा एंड वी शुड नॉट इवन गिव अटेंशन टू इट. इट इज वेरी सैड दैट दिस इज हैपनिंग बट गोइंग फॉरवर्ड पीपल वर्किंग ऑन द ग्राउंड व्हाट इज इट दैट वी नीड. मैं पूछूंगी उस पर सवाल, लेकिन कुछ सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि जो जमात से जुड़े हुए लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स के साथ, वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं. कुछ ने यहाँ तक आरोप लगाया कि दूसरे लोगों को बीमारी लगाने के लिए थूकने तक की घटिया हरकत देखी गई है. मैं इन खबरों को वेरीफाई नहीं कर सकती, लेकिन नेशनल न्यूज नेटवर्क्स पर ये खबरें चली हैं. ये इनको तो मैं भी वेरीफाई नहीं कर सकती, बट दिस इज आई थिंक जो अंडरबेली ऑफ ट्रोल्स है एंड जो अंडरबेली ऑफ आईटी सेल्स जो चलते हैं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. इससे और इस वक्त से कोई सैड या दुख की बात नहीं हो सकती कि इस टाइम ये फोकस है. फोकस क्या होना चाहिए आप ट्रोल्स नहीं, न्यूज चैनल्स पे चलते. तो न्यूज चैनल्स कौन से आपके बेटर हैं आजकल? न्यूज चैनल्स कौन से आईटी सेल से बेटर है? एक न्यूज आती है जो न्यूज चैनल्स चला देते हैं. आई यू नो आई कैन नॉट स्पीक अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वीडियोस ओवर देयर, बट अ लॉट ऑफ सच वीडियोस हैव कम टू मी एंड उसी वक्त वो पता भी चल गई है कि वो फेक हैं और पता नहीं कहाँ से हैं. एंड आई डोंट आपकी जिम्मेदारियां इसमें क्या क्या हैं, आप किस तरह से देखती हैं इसको? जो इस पॉइंट पे जैसे मैं कह रही हूँ, मैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं एक म्युनिसिपल काउंसलर हूँ और इस एरिया को मैं मेरे अंडर जो काम आते हैं जैसे सैनिटेशन है वगैरह, बट एट दिस पॉइंट वी हैव टू गो फार बियॉन्ड आवर स्कोप ऑफ ड्यूटी. मेरा इस वक्त जो प्रायोरिटी है वो यहाँ की सैनिटेशन को भी देखने के लिए सिर्फ इस एरिया की नहीं बट पूरे इलाके में एक फियर सा फैला हुआ है एंड वी हैव वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज. देर हैज बीन नो प्लानिंग, सो वी हैव टू really at this point work as closely with the administration as we can. And jo aap jo hum ye dawai chhidakwa rahe hain fire brigade se, aaj maine drone se bhi karwai, isko hame jari rakhna padega because ek sukoon milta hai logon ko ki administration is there, they are with you and they are working. Abhi tak iske alawa my another fear is ki hamara staff jo hai, jo sanitation staff hai puri Delhi mein,
वो अभी सिर्फ 30% पे आ रहा है क्योंकि बसेस नहीं चल रही हैं, कॉरपोरेशन ने अब 55 साल से ऊपर लोगों को ऑप्शन दे दिया कि आप आए, महिलाएं नहीं आ पा रही हैं काम पे, एंड आगे जाके जब आपका गार्बेज नहीं उठेगा, जब कॉलोनीज गंदी होने लगेंगी, दिस विल लीड टू मोर हेल्थ प्रॉब्लम्स, एंड आई फील दैट दीज आर द थिंग्स वी शुड एड्रेस नाउ, कि आपके जो स्लम क्लस्टर्स हैं वहां पर भी लोग, आप वहां जो हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कह रहे हैं वो ऐसी जगहों पे नहीं हो पा रही हैं, वो लोग एक ही साथ एक ही जगह कंटेन्ड हैं, तो वहां पे हम अगर कुछ वहां पे ब्रेकआउट होता है तो हमारे क्या प्रेपरेशन होंगे, लोगों के पास खाना नहीं है, जैसे निजामुद्दीन में रोज एक कम्युनिटी किचन लगा है, उसमें खाना बन रहा ताकि लोग निकले ना, तो लोगों को घर घर जाके खाना दिया जा रहा है, ऐसे ही कुछ स्लम क्लस्टर्स में हम अपनी तरफ से खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये आगे हमारे को चैलेंजेस रहेंगे कि लोगों को खाना कैसे मिले, सफाई कैसे मेंटेन हो, हेल्थ वर्कर्स जो आपके ड्यूटी पे आ रहे हैं उनके पास प्रोटेक्शन किट्स नहीं है, एंड दैट इज समथिंग विच शुड बी अरेंज्ड इमीडिएटली, बिकॉज वो अपनी हेल्थ पे और लाइफ पे रिस्क लेके इन जगहों पे जा रहे हैं, तो एटलीस्ट द बेसिक थिंग इज दैट वी शुड just take care of their immediate the threat to नहीं। और यास्मीन, दिल्ली में ही कई डॉक्टर्स की मौत हो गई है सिर्फ इसलिए कि उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे, उनके पास वो गियर नहीं था जो उनको मदद करता उनको बचाने में, उनके पास वो सूट्स नहीं थे पहनने के लिए। आपको क्या लग रहा है, आप क्या कह रही हैं कि वाकई अगर ये बेहतर तैयारी के साथ लॉकडाउन को किया गया होता, और खासकर जैसे आपने कहा कि हम तो लकी हैं इस मामले में, किस्मत अच्छी थी भारत की कि एक महीने से भी ज्यादा लेट यहाँ पर पहुंचा कोरोना वायरस का जो असर देखने को मिला, बट हमें शुरू से हमें मालूम था, जनवरी 30th को इंडिया में पहली डेथ हो चुकी थी कोरोना। जी बोलिए। अच्छा, मैं कह रही हूँ, हम जनवरी 30th को पहली डेथ हो चुकी थी, एंड मैंने पहले कहा कि यू नो एट दिस पॉइंट नाउ वी शुड नॉट बी ब्लेमिंग, बट द आइडिया टू क्वेश्चन what has happened and what has gone wrong is it needs to be acknowledged ki kya galti hui hai, hamare paas almost 3 mahine se zyada the prepare karne ko, to ye to basic cheeze hai na ki aapke paas sanitizers aapke paas hone chahiye, market mein in cheezon ki mara mari nahi honi chahiye, aapke doctors ke paas kit hone chahiye, aapke sanitation staff ke paas kit hone chahiye, aapke paas quarantine facilities identified honi chahiye, jo jab ye This is even pre-lockdown. मतलब ये तैयारी तो lockdown का मतलब lockdown किसके लिए है? जो लोग बहुत privileged हैं, जो लोग अपने घर में बैठ सकते हैं, that is very fine कि okay आप lockdown हो जाइए, इन सब ने मान ली बात बिना किसी, and it's admirable कि सब ने इतना cooperate करके सब लोग बैठ गए। अब जो मजबूर हैं, मतलब उनके लिए lockdown का क्या मतलब है? कि आपने देखा कि ये migrant workers किस तरीके से दिल्ली से निकले हैं, आनंद विहार बस स्टेशन पे आपने देखा लोगों की डेथ्स हो गई हैं, एंड दिस इज ओनली अ लैक ऑफ प्लानिंग ना। अगर आप लॉकडाउन कर रहे थे तो उस वक्त आप एक बेसिक मैसेज जो ये जिस चीज पे मरकज पे एक्चुअली उठाया जा रहा है कि आप वहां से निकले क्यों नहीं, बाकी लोगों को आप कह रहे हैं आपको निकलना नहीं चाहिए था, एक क्लियर कम्युनिकेशन और सिस्टम इन प्लेस होता कि जो जहां पे है आप उनको खाना तो पहुंचा दीजिए, ये तो वो आई मीन लॉकडाउन करने का यही तो मतलब है कि आपने लोगों को कर दिया, उसके बाद आप तो अपने चीजों पे आप डबल काम कर सकते हैं, आपको पूरी कोऑपरेशन मिल रही है ना। हमारे पास प्री लॉकडाउन कोई प्लान था ना, हमारे पास पोस्ट लॉकडाउन कोई प्लान है, एंड एटलीस्ट मेरे ख्याल से द निजामुद्दीन केस शुड बी सीन एज एन एग्जाम्पल कि ऐसा हो चुका है, अब अगर जब गॉड फॉरबिड एक नेक्स्ट हॉटस्पॉट अगर हो जाएगा तब आप इससे लर्न करके आप क्या करेंगे, फिर से आप सिर्फ अपनी आईटी सेल और उसको उसी पे सारा काम होगा, कैन वी टेक सम लेसंस फ्रॉम दिस एंड टैकल दिस बेटर। जी हाँ, अच्छी बात कह रही हैं आप यास्मीन, लेकिन अभी कुछ इस तरह के भी घटनाएं सामने आ रही हैं कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन पे लोग पथराव कर रहे हैं, उनको मारपीट कर रहे हैं, लोग रेजिस्ट कर रहे हैं कि जो ट्रेसिंग करने की कोशिश हो रही है, ये क्या एक मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा तैयार किया गया खासकर एक समुदाय के प्रति, क्या उसको लेकर ये प्रतिक्रिया है, या आपको लगता है कि इन लोगों में ही खराबी है जो पत्थरबाजी कर रहे हैं या रेजिस्ट कर रहे हैं हेल्थ वर्कर्स को? नहीं, मुझे अभी मैंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा कि एक इंदौर में कहीं हादसा हुआ है कि डॉक्टर्स को जी बिल्कुल वही पूछ रही हूँ आपसे। हाँ, मैंने अभी सोशल मीडिया पे कहीं देखा कि इंदौर में
डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किया गया है, एंड इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात कोई नहीं हो सकती है कि जो लोग आपको हेल्प करने आ रहे हैं उन पे अटैक हो रहा है. बट यू नो दिस इज ये यही तो डेंजर है जो आपकी आईटी सेल और ये जो एक कम्युनलाइजेशन इस चीज पूरी चीज का हो रहा है. और आप सी कोरोना वायरस के पेशेंट्स में हमने एक स्टिग्मा लगा दिया है विच इज यू नो नॉट जस्ट अ रिलीजियस स्टिग्मा, वो तो अब दो दिन से आया, बट वैसे भी एक स्टिग्मा लगा दिया. कोरोना वायरस, कोविड इज अ डिजीज विच इज फर्स्ट क्योरेबल इन मोस्ट इंस्टेंसेस, बट एक लोगों को ये जो क्योंकि किसी से भी किसी को हो सकता है, तो देर इज अ सेंस ऑफ कि लोग अपने आप को डिक्लेयर नहीं करना चाह रहे हैं. एंड ऑब्वियसली ये जो जो फियर्स हैं, जिन फियर्स को एक्चुअली क्या, हाउ डू आई से, इनकरेज किया जाता है, दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन इट लीड्स टू. बट इट्स रियली सैड दैट यू नो जो लोग अपना सब कुछ रिस्क करके आपको हेल्प करने आ रहे हैं, फिर वहीं पे हमें ये सिचुएशन देखने को मिलती है. एंड आई थिंक द गवर्नमेंट विल नीड टू टेक प्रॉपर केयर कि जब ये लोग जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, देयर शुड बी पुलिस फोर्स विद देम. एंड मेरे ख्याल से एक इसी ऐसे वक्त पे तो आपको एक क्लियर मैसेजिंग चाहिए ना. आपका कोई, आपका जो लीडर है, जो आपके वो इस वक्त आके एक मैसेज ऑफ काम दें. एक देखिए, हमने हेल्थ वर्कर्स के लिए कहा कि आप ताली बजा दो. हेल्थ वर्कर्स को अपनी बिल्डिंग्स में जाने नहीं दिया जा रहा है. वो लोग अपनी गाड़ी से अपने डॉक्टर के स्टिकर उठाकर उनको अपने कंपाउंड्स में रहने नहीं दिया जा रहा है. आज मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अफसर कह रहे थे कि हम लोगों को गाड़ी से स्टिकर निकाल के जाते हैं कि क्योंकि उन लोगों से भी लोगों को अब परहेज हो रहा है कि ये भी यहाँ पे ना आए तो फैल जाएगी इनकी वजह से. सो यू नो ये जो चीजें हैं कि आप सब हेल्थ वर्कर्स के लिए ताली बजाइए, आप टीवी पे ताली बजा रहे हैं बट आप अलग से उनको गाली दे रहे हैं, तो ताली नहीं ना. वही तो हमें प्लानिंग की जरूरत थी कि हमको हेल्थ वर्कर्स को प्रोटेक्टिव गियर देना चाहिए था. रणनीति नहीं थी लॉकडाउन के बाद भी, कोई रणनीति नहीं है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका यास्मीन खिदवई दवायर से बातचीत करने के लिए. जी शुक्रिया, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.